अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान से मैं हूं दुरे शहवार। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज पल्स और आज दिन भर पाकिस्तान के टॉप न्यूज ट्रेंड्स ये हैं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर 26 नवंबर से 1 माह के लिए तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया। इनका कहना था कि तालीमी इदारों में 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहेगा और 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। जनवरी के पहले हफ्ते में रेवेन्यू सेशन होगा, जिसके बाद रिव्यू सेशन होगा, जिसके बाद 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। दूसरी जाने बताया कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के तुलबा का एक तिहाई हिस्सा ही हॉस्टल्स में कयाम कर सकेगा। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% से ज्यादा देखी गई है। दूसरी तरफ वजीर तालीम सईद गनी ने हुकूमत के तमाम तालीमी इदारे बंद करने के फैसले की मुखालिफत कर दी। उन्होंने वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत एनसीओसी के इजलास में मौका पेश किया कि इस साल किसी सूरत बगैर इम्तिहानात के क्लासेस में बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा और उन्होंने तजवीज दी कि तमाम तालीमी इदारे बंद ना किए जाएं, बल्कि प्राइमरी स्कूल जिनमें एनरोलमेंट 73% है इन्हें बंद किया जाए, जबकि क्लास 6 और इससे आगे की तमाम क्लासेस को जारी रखा जाए। GP2 के नतायज की मुमकिन ऐलान के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके दौरान मुजाहिरीन की पुलिस से झड़प हुई और उन्होंने सरकारी गाड़ियां व इमलाक नजरे आतिश की। गिलगित बल्तिस्तान की हालिया इंतखाबात में सबसे दिलचस्प मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान 2 में हुआ, जहां पीटीआई के उम्मीदवार फताउल्ला ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद से सिर्फ 2 वोटों से के फर्क से इंतखाब जीता। ताहम पीपीपी ने नतायज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज के बाद गिलगित बल्तिस्तान 2 में वोटों की दोबारा गिनती की गई, लेकिन इसमें भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की ही जीत हुई। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जारी करदा नतीजे के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार फताउल्ला खान इस बार 96 वोट से कामयाब करार पाए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई के लिए डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्त जमा करा दी गई। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अताउल्ला तारड़ ने पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जमा कराई। दरख्वास्त में कहा गया है कि शहबाज शरीफ को अपनी वालिदा और हमजा शहबाज को अपनी दादी की तदफीन में शिरकत के लिए पेरोल पर फौरी तौर पर 2 हफ्तों के लिए रिहा किया जाए। नून लीग के मुताबिक मरहूमा बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान पहुंचने पर नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी में अदा की जाएगी और तदफीन जाती उमरा कब्रिस्तान में मियां शरीफ की कब्र के पहलू में की जाएगी। दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल की खोई रटा सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 11 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने सिविलियन आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया। शादी की तकरीब पर ना सिर्फ फायरिंग बल्कि रॉकेट्स और भारी मोर्टर्स से निशाना बनाया गया। फायरिंग से जगजोट गांव में शादी की तकरीब में शरीक 11 शहरी जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में 6 खवातीन 4 बच्चे शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी के मुताबिक भारतीय हाई कमिश्नर के सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर इंतजाम की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। कोरोना वबा से 24 घंटों में मजीद 34 अफराद हलाक हो गए और 2756 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 3,76,929 जबकि मजमुई अमवात की तादाद 7,696 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन के खदशात पैदा होने लगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखी गई और के कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 555 पॉइंट्स कमी के बाद 39,633 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पेशावर की सूबाई हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर शोबा मेडिकल के तदरीसी इदारों को कोरोना के मरीजों के लिए बिस्तरों के तादाद में इजाफा करने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते से मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा गया। सूबे के अस्पतालों में मरीजों का दाखिला 100% तक बढ़ गया।
इस हवाले से सेहत के हुकाम का कहना था कि गुज़िश्ता 15 दिनों में वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की तादाद में 200% तक इजाफा हुआ है और तशवीशनाक मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे के बाद वजीर सेहत ने खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की इंतजामिया को फौरी तौर पर कोविड-19 के मरीजों के लिए बिस्तरों की तादाद में 50% तक इजाफा करने की हिदायत कर दी है। और अब शोबिज़। पाकिस्तानी फिल्म्स के लेजेंड अदाकार और चॉकलेट हीरो के नाम से मशहूर वहीद मुराद को हमसे बिछड़े 37 बरस बीत गए। मशहूर हीरो वहीद मुराद 2 अक्टूबर सन 1938 को फिल्म साज निसार मुराद के यहाँ पैदा हुए। कराची यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में एमए करने वाले वहीद मुराद ने कैरियर की शुरुआत सन 1962 में बनने वाली फिल्म अलाज से की और 23 नवंबर 1983 को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को नई जिद्दतें देने वाले वहीद मुराद दारे फानी से कूच कर गए और उनकी खिदमात के सिले में उन्हें बहुत सारे नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। I-95 से अब तक इतना ही, पाकिस्तान न्यूज पल से अब तक इतना ही और दुरेश अवार से अब तक इतना ही।